हे गाइस, तो अभी प्रो कबड्डी सीजन 8 में 31 मैचेस खत्म हो चुके हैं और पॉइंट टेबल भी हमारे सामने आ चुका है। तो मैं आपको बताने वाला हूँ कि कौन सी टीम किस पोजीशन पे आज के दो मैचेस ब्लॉकबस्टर मैचेस खत्म हो चुके हैं। तो नंबर 12 पे यहाँ पे है पुणेरी पल्टन, 5 मैचेस खेले, 1 जीते है, 4 हारे है, 1 भी टाई नहीं हुआ है और 5 पॉइंट्स है पुणेरी पल्टन के पास। तो नंबर 12 पे है पुणेरी पल्टन, इनको अब आने वाले मैचेस जीतना पड़ेगा तभी कुछ हो सकता है यार, क्योंकि राहुल फॉर्म में नहीं है, नितिन फॉर्म में नहीं है, तो जो भी है पुणेरी को अच्छा करना पड़ेगा। अब नंबर 11 पे बात करते हैं, नंबर 11 पे है तेलुगु टाइटन्स, 5 मैचेस खेले, 1 भी नहीं जीते, 3 हारे है, 2 टाई कराए और 9 पॉइंट है। आज का जो मैच था वो भी तेलुगु हार गया, और ठीक है कोई बात नहीं, हार गया लेकिन आने का बहुत मैचेस आगे का बाकी है। नंबर 11 पे फिलहाल तेलुगु टाइटन्स है। अब यहाँ पे हम लोग बात करते हैं नंबर 10। तो नंबर 10 पे यहाँ पे हमारी जो टीम है वो है हरियाणा स्टीलर्स, 5 मैचेस के लिए, 2 जीते हैं, 3 हारे हैं, 1 भी टाई नहीं करा है, 12 पॉइंट्स अभी जीत के आ रहा है हरियाणा, और वही जो जिस तरह जीत के आया वो विनिंग स्ट्रिक को कंटिन्यू करना पड़ेगा अपकमिंग मैचेस में, तो फायदा में होगा हरियाणा। अब यहाँ पे बात करते हैं हम लोग नंबर 9 पे, तो नंबर 9 पे जयपुर विंग पैंथर्स है, 4 मैचेस के लिए, 2 जीते हैं, 2 हारे हैं, 12 पॉइंट्स है जयपुर विंग पैंथर्स के, और बहुत उम्मीदें हैं जयपुर से कि जयपुर अच्छा करे, क्योंकि 2 साल से क्वालिफाई नहीं हुआ है या मिस्टेक हो गया है, 2 लूजेस है, ठीक है 2 मैच हारा है जयपुर। अब नंबर 8 पे बढ़ते, नंबर 8 पे यूपी होता है, 5 मैचेस खेले, 1 जीते हैं, 2 हारे हैं, 2 टाई कराया है और 13 पॉइंट से यूपी होता है। यूपी होता के लिए प्रदीप गरवाल अभी उतने अच्छे फॉर्म में नहीं है, प्रदीप मुझे मालूम है प्रदीप अच्छा करेंगे अपकमिंग मैचेस में, और यूपी फिलहाल अभी नंबर 8 में है। अब बात करते हैं नंबर 7। नंबर 7 पे यहाँ पे जो टीम है वो है यहाँ पे गुजरात जायंट्स, गुजरात 5 मैचेस के लिए, 1 जीते हैं, 2 हारे हैं, 2 टाई कराया है और 13 पॉइंट्स है। गुजरात जायंट्स को भी आने वाले मैचेस जीतना पड़ेगा, अभी हरियाणा से हार के आ रहे हैं गुजरात, नो डाउट बहुत अच्छा टीम है लेकिन गुजरात को अब मैचेस जीतना बहुत ज्यादा जरूरी है। अब यहाँ पे हम बात करते हैं नंबर 6, तो नंबर 6 पे यहाँ पे है तामिल थालेवास 5 मैचेस के लिए, 1 जीते हैं, 1 हारे हैं, 3 टाई मैचेस हो चुके हैं और 14 पॉइंट्स है तामिल के। तामिल इस बार पहले से कुछ बेहतर है, यंग टीम्स बहुत है लेकिन अभी तक बस 1 ही मैच जीता है, तो तमिल को अपने आगे वाला मैचेस को जीतना पड़ेगा, ठीक है। अब यहाँ पे बात करते हैं हम लोग नंबर 5 पे, नंबर 5 पे है बंगाल वॉरियर्स डिफेंडिंग चैंपियन, 6 मैचेस के लिए, 3 जीते, 3 हारे हैं, 1 भी टाई नहीं है और 16 पॉइंट्स। आज का जो मैच है उसे बंगाल ने लास्ट रेड में जीत लिया था, बहुत ही कमाल का सुपर टैकल किया था मनिंदर और नबी बख्श ने, तो ये मैच बहुत अच्छा हुआ था और बंगाल को आगे भी जीतना पड़ेगा। अब यहाँ पे हम बात करते हैं नंबर 4, नंबर 4 पे यू मुंबा, 5 मैचेस खेले, 2 जीते हैं, 1 हारे हैं, 2 टाई कराया है और 17 पॉइंट है मुंबा के। मुंबा को भी आने वाले मैचेस में अच्छा करना पड़ेगा, दो नो डाउट मुंबा का टीम बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा है, बैलेंस इस बार पहले से अच्छा है लेकिन कोई बात नहीं, अभिषेक है, अजीत है, हरिंदर है, फजल है, कोई बात नहीं, अच्छा टीम है ये मुंबा। अब बात करते हैं नंबर 3, नंबर 3 पे है पटना पायरेट्स, 3 टाइम चैंपियन सीजन 3-4-5, 5 मैचेस के लिए, 4 जीते हैं, 1 भी हारे हैं, 1 हारे हैं, 1 भी टाई नहीं कराया और 21 पॉइंट्स है। पटना का टीम इस बार बहुत बेहतर है, मतलब इतना अच्छा तो टीम है लेकिन अच्छा परफॉर्मेंस कर रहा है, आज भी जीत के आया है पटना, बहुत ही बढ़िया बजट तेलुगु को हरा गया है। नंबर 2 पे है यहाँ पे दबंग दिल्ली केसी, 6 मैचेस के लिए, 3 जीते हैं, 1 भी नहीं हारे हैं, 2 टाई कराया और 21 पॉइंट्स है। दबंग दिल्ली नंबर 2 पे क्यों आया, क्योंकि बेंगलुरु जीत के आया है, कोई बात नहीं, लेकिन दबंग दिल्ली मुझे लगता है बहुत ही अच्छा टीम है इस बार और बहुत ही ज्यादा आगे जाएगा, क्वालिफाई भी कर जाएगा। बात करते हैं टॉप नंबर 1 पे है बेंगलुरु बुल्स, 6 मैचेस खेले, 4 जीते हैं, 1 हारे हैं, 1 टाई भी कराया है और 23 पॉइंट है, बहुत ही कमाल है बेंगलुरु इस बार। पवन है, मयूर कदम यहाँ पे बहुत अच्छे लग रहा है बेंगलुरु के लिए, सौरभ नांदल, चंद्रन रंजीत का सपोर्ट मिल रहा है, बेंगलुरु बहुत अच्छा है और ये पॉइंट टेबल का पूरा कहानी है इस बार का। आज के मैच के बाद आज के 2 मैचेस हुए जयपुर बंगाल, उसके तेलुगु पटना, पहला मैच बंगाल ने जीता, दूसरा मैच यहाँ पे पटना ने जीता, ये आज का पॉइंट टेबल के बारे में। तो लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो, चैनल को सब्सक्राइब करो, टेलीग्राम ग्रुप को फटाफट ज्वाइन करो, फिलहाल इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं।